हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिली ब्रेड, जो बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हम अपने ब्रेड्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 10 ब्रेडों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और कम बनानी है तो आप इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून अपना कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे, और इस तेल के गर्म होने के बाद हम अपने ब्रेड्स को इसमें अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन होने के बाद हम इन्हें निकालेंगे। इन्हें अच्छे से सेट करें ताकि इनकी एक एक साइड अच्छे से ब्राउन हो जाए। फिर जब एक साइड ब्राउन हो जाए फिर हम इन्हें पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी ब्राउन हो सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ब्रेड है वो एक साइड से इस तरीके के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद हम इन्हें पलट लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी ऐसे ही हो सके। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रेड्स हैं वो अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसकी सॉस तैयार करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसे 1 मिनट के लिए प्री हीट करके हम उसमें अपना कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चॉप्ड अनियन डालेंगे। अपनी चॉप्ड इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए सॉट करेंगे। हमारी जो प्याज शिमला मिर्च है वो सॉट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 3 टीस्पून केचप। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे और फिर पकने के बाद हम इसमें अपनी ब्रेड्स को डाल देंगे। तो हमारी जो ग्रेवी है चिली ब्रेड की वो एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे अपने जो ब्रेड टोस्टर है वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमारे चिली ब्रेड एकदम रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नई अपडेट सबसे पहले मिल सके।